हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है बोसोंग से, जिसे उसकी मॉम एक आदमी से मिलवाते हुए कहती है कि आज से ये तुम्हारे फादर हैं। ये सुनकर बोसोंग काफी शॉक्ड होता है। वो आदमी उसे हेलो कहता है। उसके साथ तीन गर्ल्स रहती हैं। बोसोंग की मॉम उसे कहती है कि अब से ये तीनों तुम्हारी सिस्टर्स हैं, कल से ये तुम्हारे स्कूल में जाएंगी। वो तीनों बोसोंग को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। उनके नाम गाविन, मिन और यूनी होते हैं। बोसोंग उन्हें हेलो कहता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ये तीनों बहुत क्यूट और सुंदर हैं, लेकिन अब से ये तुम्हारी सिस्टर्स हैं, तो तुम इनके प्यार में मत पड़ जाना। नेक्स्ट डे कपड़े सुखाते हुए गलती से बोसोंग के हाथ में एक गर्ल्स अंडरवियर आ जाता है। वो ये सोच ही रहा होता है कि ये किसका होगा कि तभी गाविन आकर उससे वो छीन लेती है। फिर वो बाकी सारे अंडरवियर्स भी उठाती है और बोसोंग को गुस्से में परवर्ट कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब बोसोंग आराम से बाथटब में लेटा होता है तो यूनी नींद में वहाँ आकर टॉयलेट सीट यूज करने लगती है। एक घंटे के बाद गाविन उसे आकर ले जाती है और वो फिर से बोसोंग को परवर्ट कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोकर उठता है तो वो अपने बेड पर मिन को देखकर वो चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिन कहती है कि मैं हमेशा से एक भाई चाहती थी और अब हम सब एक फैमिली बन गए हैं। वो सोचता है कि ये बात तो सही कह रही है। मिन उसका हाथ अपने सिर पर रखती है और उसे अपना सिर सहलाने को कहती है। वो ऐसा ही करता है। तभी गाविन वहाँ आ जाती है। पहले तो बोसोंग डर कर उसे सफाई देना चाहता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं इसे सफाई क्यों दे रहा हूँ। गाविन मिन को कान से पकड़कर ले जाती है। वो फिर से आकर बोसोंग को परवट कहती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बोसोंग उनसे पूछता है कि तुम में से कौन सबसे बड़ा है। मिन बताती है कि गाविन सबसे बड़ी और यूनी सबसे छोटी है। बोसोंग कहता है तो गाविन 18, मिन 17, यूनी 16 की है। यूनी कहती है कि हम तीनों ट्रिपलेट्स हैं। मिन कहती है कि गाविन सबसे पहले हुई थी, मैं उसके 5 मिनट बाद और यूनी 10 मिनट बाद हुई थी। ये सुनकर वो चौंक कर उन्हें देखता है। यूनी देखती है कि वहाँ टेबल पर एक स्टन गन रखी होती है। बोसोंग उन्हें कहता है कि मैं 19 साल का हूँ। यूनी कहती है कि क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो। वो कहता है कि हमें इस घर में कुछ रूल्स बनाने चाहिए। गाविन रूल्स के बारे में पूछती है। वो कहता है कि हमें टॉयलेट, मेरे रूम और कपड़े धोने के बारे में रूल्स बनाने होंगे। गाविन कहती है कि तुम्हें इन सब का ध्यान रखना चाहिए और वैसे भी मुझे किसी परवर्ट से बात नहीं करनी है। उसकी बातों और एटीट्यूड से बोसोंग को गुस्सा आने लगता है। वो फिर भी उनसे दोस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन गाविन उसे इग्नोर करके मिन को अपने साथ ले जाती है। यूनी उसे बताती है कि गाविन हमें अपने बच्चों की तरह मानती है, वो हमेशा हमारी चिंता करती रहती है। बोसोंग कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यूनी उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद वो लोग काफी टाइम तक साथ में रहते हैं, लेकिन वो तीनों गर्ल्स के क्लोज नहीं हो पाता। लेकिन इतने समय में उनके पेरेंट्स आपस में काफी क्लोज हो जाते हैं। वो किसी यंग कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। अपनी मॉम के फेस पर स्माइल देखकर बोसोंग को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन उसके पेरेंट्स घूमने के लिए विदेश जाते हैं। वहाँ से उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसे प्लेन से कॉल कर रही होती है। बोसोंग पूछता है कि क्या प्लेन में कॉल करना अलाउड होता है। तभी वो अपनी मॉम को किसी से बात करते हुए सुनता है। प्लेन में सब लोग रो रहे होते हैं। उनकी बातों से बोसोंग को पता चलता है कि प्लेन का इंजन फेल हो चुका होता है और अब प्लेन क्रैश होने वाला होता है। उसकी मॉम कहती है कि हमारा प्लेन क्रैश होने वाला है, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और तभी बोसोंग को प्लेन क्रैश की आवाज़ सुनाई देती है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद उन सबको पता चलता है कि उनके पेरेंट्स ने अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया था। तो इस हिसाब से बोसोंग और तीनों गर्ल्स एक परिवार नहीं थे। गाविन कहती है क्योंकि अब हम एक परिवार के सदस्य नहीं है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बोसोंग उन्हें वहाँ रुकने के लिए कहता है, लेकिन गाविन नहीं मानती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रुकने के लिए कोई जगह है। मिन और यूनी भी गाविन से वहाँ रुकने के लिए कहती है, लेकिन गाविन नहीं मानती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ रहने से इसे प्रॉब्लम होगी। फिर वो तीनों वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। मिन उसे कहती है कि इतने कम टाइम के बाद भी मुझे तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगा। यूनी भी उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। वो तीनों एक पार्क में रुकी होती हैं, जहाँ रात होने पर उन्हें ठंड लगने लगती है। यूनी को भूख लग रही होती है।
उसे फोन पर चैट करते देख मिन पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। वो कहती है कि मैं एक पुरानी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। पार्क में एक लड़का स्वीट बन खा रहा होता है। मिन उसके पास जाकर ललचाई नजरों से बन को देखने लगती है। उसे ऐसे देखकर वो लड़का कहता है कि ये मेरा डिनर है, मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला। मिन कहती है कि मैंने तो लंच भी नहीं किया है। वो लड़का बन खाने लगता है तो मिन उसके बिल्कुल नजदीक चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिन बन लेकर अपनी बहनों के पास वापस पहुंचती है। गाविन पूछती है कि ये कहां से आया, तो वो कहती है कि एक लड़के को ये पसंद नहीं आया तो उसने इसे फेंक दिया था। गाविन उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम भिखारी हो। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। मिन वो बन खाती है, उसे वो बन बहुत टेस्टी लगता है। यूनी भी उससे बन मांगती है, मिन उसे भी बन देती है। वो गाविन को भी बन देना चाहती है लेकिन गाविन कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है। वो दोनों बड़े मजे से बन खाते हैं। गाविन उन दोनों का मुंह साफ करती है। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद यूनी कहती है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। मिन भी कहती है कि मेरे भाई का घर भले ही थोड़ा पुराना है लेकिन वो एक अच्छा घर है। गाविन कहती है कि हम उसकी फैमिली नहीं है और वो हमारा घर नहीं है, क्या तुम लोगों में शर्म नाम की चीज नहीं है। मिन कहती है कि मुझे बिना घर के नींद नहीं आती है। यूनी भी कहती है कि जमीन पर सोना भी मुश्किल है। गाविन कहती है कि मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगी और एक अच्छा सा घर खरीदूंगी। मिन पूछती है कि तुम ये कैसे करोगी। वो कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी। यूनी कहती है कि घर लेने के लिए तुम्हें 1000 साल तक जॉब करनी पड़ेगी। मिन पूछती है तो क्या हमें 1000 साल तक बाहर सोना पड़ेगा। यूनी कहती है कि तुम डरो मत, हम लोग 100 सालों में ही मर जाएंगे। मिन डरते हुए पूछती है कि क्या हम मर जाएंगे। यूनी कहती है कि एक दिन तो सबने मरना ही है। ये सुनकर मिन रोने लगती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तभी एक लड़का दो लड़कियों के साथ वहाँ आता है। वो तीनों उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लड़का कहता है चाहे जो भी कहो लेकिन ये तीनों क्यूट तो बहुत हैं। एक लड़की पूछती है कि क्या ये मुझसे भी ज्यादा क्यूट है। वो कहता है कि तुम तो सारी दुनिया में सबसे क्यूट हो लेकिन हम इन्हें आसानी से बेच सकते हैं। गाविन कहती है कि हम लोग ना तो घर से भागे हैं और ना ही हम बेघर हैं। वो लड़का पूछता है कि फिर तुम्हारा सामान यहाँ क्या कर रहा है। मिन कहती है कि हम लोग घूमने जा रहे थे। वो लड़का उनका सामान खोलता है और उनका अंडरवियर उठाकर उनका मजाक बनाने लगता है। वो दोनों लड़कियाँ भी उसका साथ देने लगती है। तभी गाविन उसके दांत काट देती है। वो गाविन को धक्का देता है और फिर उसे मारना चाहता है। तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। गाविन को लगता है कि बोसंग उसे बचाने आया है लेकिन वो लड़का कोई और ही होता है। वो लड़का पहले वाले से कहता है कि सामान को चोट मत पहुंचाओ। पहला वाला लड़का कहता है कि इसने मेरे दांत काटा था। दूसरा लड़का पहले वाले को पंच मारकर उस पर चिल्लाता है। पहले वाला लड़का उससे माफी मांगता है। वो दूसरा लड़का तीनों गर्ल्स के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पास सोने की जगह नहीं है ना। गाविन कहती है कि हमारे पास जगह है। वो उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वो उन तीनों को डराकर एक जगह पर रखता है। उसके साथ की लड़कियां उन तीनों बहनों के मोबाइल छीन लेती है। यूनी उनसे टाइम पूछती है तो वो उसे टाइम बता देती है। तभी वो पहले वाला लड़का आकर कहता है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं। ये सुनकर वो तीनों गर्ल चौंक जाती है। वो दूसरा लड़का उनके पास आकर कहता है कि तुम में से पहले कौन चलेगा। वो लोग तीनों बहनों से गलत काम करवाना चाह रहे थे। वो तीनों डरने लगती है। वो लड़का गाविन को खींचकर अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का मास्क पहने दिखता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम इन्हें बचाने आए हो। वो मास्क मैन उसके हाथ में मारकर गाविन को छुड़ाता है। वो दूसरा लड़का उससे लड़ना चाहता है लेकिन वो मास्क मैन अपनी स्टन गन से उसे करंट लगा देता है। ये देखकर वो दोनों लड़के डर जाती है। वो लड़का अपना मास्क हटाता है। ये कोई और नहीं बल्कि बोसंग होता है। वो तीनों बहनों से घर चलने को कहता है। घर जाकर वो उन्हें आराम से बिठाता है और पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। ये सुनकर मिन रोने लगती है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ रह सकती हो। गाविन उससे इसकी वजह पूछती है। वो कहता है कि तुम सब मेरी बहनें हो। गाविन कहती है कि हम कभी फैमिली नहीं थे। बोसंग कहता है कि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उस वजह से हम सब एक परिवार बन गए। असल में तो मैं तुम सबको अपनी बहनें मानता हूँ। ये सुनकर मिन उसे हक करती है और गाविन भी उसे थैंक्स कहती है। फिर मिन उससे पूछती है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। यूनी कहती है कि मैंने यहाँ से जाने से पहले इससे बात की थी। ये हर 8 घंटे में कॉल करके हमारी सेफ्टी का पता करता रहता था।
मैंने कहा था कि अगर मैं उसे कांटेक्ट ना कर पाऊँ तो वो हमें स्टन गन लेकर ढूंढने आ जाए। इसके लिए मैंने हम दोनों के फोन में ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड की थी। मिन पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था कि हमारे साथ ये सब होगा। यूनी कहती है कि तीन क्यूट गर्ल्स अगर ऐसे बाहर रहेंगी तो कौन उन्हें किडनैप नहीं करेगा। गाविन को ध्यान आता है कि यूनी पार्क में अपने फ्रेंड से चैट कर रही थी जो पोसंगी था। मिन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसके पास स्टन गन है। वो कहती है कि मैंने पहले किचन में स्टन गन देखी थी। इसके बाद मिन और यूनी नहाने चली जाती है। बोसंग गाविन के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत टफ था। इसके बाद वो चारों आपस में बड़े प्यार से रहने लगते हैं। तीनों सिस्टर बोसंग से बहुत क्लोज हो जाती हैं। फिर एक दिन एक लड़की वहाँ आती है। मिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि क्या ये बोसंग का घर है। मिन कहती है कि ये उसी का घर है और मैं उसकी बहन हूँ। वो लड़की कहती है कि बोसंग की तो कोई बहन नहीं थी। मिन कहती है कि अब उसकी बहन है। ऐसा कहकर वो बोसंग को बुलाती है। बोसंग गाविन और यूनी से बातें करते हुए आता है। उस लड़की को वहाँ देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम जंग पर गए थे या तुम किसी का कर चुका रहे थे। मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी लेकिन तुम तो यहाँ मजे कर रहे थे। बोसंग कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो सोचता है कि मेरी लाइफ तो बहुत अजीब होती जा रही है। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।